नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। हार्दिक पांड्या जिसकी इस वक्त सब तारीफ कर रहे हैं, जिसकी इस वक्त खूब चर्चा हो रही है, कप्तानी के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या ने खुद को साबित किया है। हार्दिक पांड्या ने आईपीएल 2022 में दिखा दिया है कि उनके अंदर कितना दम है, क्योंकि एक वक्त हार्दिक पांड्या पर सवाल थे, लेकिन अब जो सवाल खड़े करने वाले लोग थे उनके मुंह बंद हो गए हैं और हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले की धार से ये बता दिया कि उन खिलाड़ी में दम है। लेकिन अब राहुल द्रविड़ ने भी हार्दिक पांड्या की जमकर तारीफ की है। राहुल द्रविड़ ने बताया है अपना प्यार हार्दिक के लिए लुटाया है और ये कहा है कि हार्दिक जैसा कोई नहीं। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने हार्दिक पांड्या की वापसी पर बहुत बड़ा बयान दिया है। राहुल द्रविड़ ने कहा है, हार्दिक को टीम में वापस पाकर खुश हूँ। हार्दिक जब फॉर्म में होते हैं तो वो शानदार होते हैं। फॉर्म में वो गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में हार्दिक का प्रदर्शन शानदार रहा है। इस आईपीएल में भी उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। हार्दिक की कप्तानी भी शानदार थी। लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको एक लीडर के रूप में नामित होने की आवश्यकता होती है और हार्दिक ने वो करके दिखाया। जी हाँ, राहुल द्रविड़ के इस बयान से साफ नजर आता है कि आपको लीडर बनने के लिए आपको पहचान की जरूरत होती है और वो पहचान हार्दिक को मिल चुकी है। तो इससे संकेत मिल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को भविष्य के तौर पर राहुल द्रविड़ कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या को आयरलैंड दौरे पर कप्तान बनाया गया, इसका मतलब कोच राहुल द्रविड़, बीसीसीआई और सेलेक्टर्स के जहन में हार्दिक पांड्या हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी, उनके ऑलराउंडर खेल से टीम मैनेजमेंट खुश है और हार्दिक पांड्या को भविष्य में टी20 कप्तान या व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बनाने के बारे में विचार किया जा सकता है। ये राहुल द्रविड़ के इस बयान से संकेत मिल रहे हैं। तो आपका राहुल द्रविड़ के इस बयान पर क्या कहना और क्या आपको लगता है वास्तव में हार्दिक पांड्या की किस्मत एकदम पलट गई है? जिस हार्दिक पर सवाल खड़े किए जा रहे थे वो एकदम कप्तान बनकर उसने अपनी छाप छोड़ दी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।